पिताजी आगे ले गए हम। उसी दिन से हम गार्डन गया, 4 बरस उम्र भी तो वही बिहार में रहा। उसके बाद 2 साल तक वो खेत में रहा। उसके बाद बिहार में फिर आ गया, आने के बाद शुरू किया 7 बरस से शिक्षा शुरू किया किया तो 4 बरस में उस टाइम में जो कंठस्थ सब जो ये पूजा पाठ वगैरह सब उसके बाद कख वगैरह सब कंठस्थ है। उसके बाद उसमें ज्योतिष विद्या शुरू किया। ज्योतिष विद्या आयुर्वेदिक विद्या एक तरफ क्लास 1, 2, 3, 4 तो एक तरफ 6-7 क्लास तक पढ़ा। एक तरफ यह ज्योतिष विद्या आखिरी तक पढ़ा, आयुर्वेदिक विद्या ज्योतिष विद्या। उसके बाद श्रावणी हुआ 14 बरस की उम्र में। 14 बरस की उम्र में एक पुस्तक गुरु जी ने लिख के दिया, श्रावणी क्यों बनाया जाता है उपदेश। श्रावणी बनाने के बाद रंगून आया 14 बरस की उम्र में ही। 1950 को रंगून आ गया। रंगून आ गया तो रंगून में एक यूनिवर्सिटी में रहा। मेरे को छोटा बच्चा भिक्षा मांगने नहीं दिया, वह तो भिक्षा मांगे खाना पड़ता है। भिक्षा मांगने दिया तो वही बिहार में रहा। उसी बिहार में रहते रहते वहाँ हाई स्कूल इंटर बी एमए तक, मैंने हाई स्कूल भी था, मैंने वहाँ का बिछलू का विद्या एमए तक पढ़ा। पर मैं उसी विद्यालय में मास्टर हुआ, करीब 30-24 वर्ष में मास्टर होने के बाद 3 साल के मास्टर पढ़ा, 3-4 साल तो यहाँ आया। 1 अगस्त 1963 को आया कलकत्ता में 3 दिन रहा। उसके बाद भंडारा से जहाज़ का किराया भी बहुत कम था उस टाइम में। जहाज का किराया आपके 209.90 रुपये। उसके बाद कलकत्ता से बनारस 30 रुपया किराया। उसके बाद बनारस से देवरिया 3.5 रुपया, देवरिया से कुशनगर 1.02 रुपया फर्स्ट क्लास का, उसके 88 पैसा सेकेंड क्लास का। ऐसे आया, आने के बाद यहाँ सीखा। मेरे गुरु जी ने संस्कृत सिखाया कुछ दिन। उसके बाद बहुत बूढ़ा हो गया गुरु जी, नहीं हो पाया। फिर जानकी बाबा को सीखने के लिए कहा, जानकी बाबा कुछ दिन सिखा छोड़ दिया। उसके बाद नगीना एक मास्टर है, नगीना को सिखाया, कहो सिखा तो उसके स्कूल गया। स्कूल में एक चौकी दिया, उस चौकी में बैठ के पढ़ाया। पढ़ने के बाद वह प्राइमरी स्कूल का विद्या है पहले 5 क्लास तक, फिर 2 साल 6 और 7, 3 साल 8। 8 में गया तो जो कृषि विद्या के बाद खेती वगैरह कराए। खेती वगैरह करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़े 1968 को हाई स्कूल पास किया। 1968 को हाई स्कूल पास किया, फिर वहाँ भी कुछ गड़बड़ है, उम्र अधिक हो गया नहीं होता है, तो हमारा उम्र को 13 बरस कम किया। 10/11/1936 को 10/11/1948 पाया गया। उसके बाद हाई स्कूल पास किया 68 में, इंटर पास किया 70 में, फिर बीए पास किया, एमए पास किया, एमए 1975 पास किया। उसके बाद बीएमएस एलएलबी वो भी किया संत विनोबा इंटर कॉलेज से। उसके बाद आपका ये चलते चलते अभी तक पढ़ते रहे अभी भी। अच्छा, आप अपने जीवन पे कुछ किताबें भी लिखे हैं, उस किताब का क्या नाम है? किताब तो पहले सबसे पहले गुरुजी का जीवन लिखा हिंदी में छोटा पतला, फिर अंग्रेजी में लिखा है छोटा पतला अंग्रेजी में, गुरुजी का हिंदी में अंग्रेजी में। फिर अपना अगम पंडित उपाधि बिला तो लेख तो लिखते रहे हम। मौजूद है अभी? है 4-5 पुस्तक। अच्छा। फिर एक चेरा लिखा था हमारा जीवनी अभी है, वो तो बर्मी भाषा में है। अच्छा, 4-5 पुस्तक लिखा। अच्छा, बर्मी भाषा में है। हाँ, हिंदी या इंग्लिश में? हिंदी अंग्रेजी तो लेख लिखा है। अच्छा, लेख लिखा। उसको ट्रांसलेशन कराइए बर्मी से हिंदी में आपके जीवन पर। पहले पुस्तक लिखा
मजिमा देश में धर्म प्रचार करने का अनुभव, मजिमा देश मैंने भारतवर्ष में धर्म प्रचार करने का अनुभव बहुत बहुत विरोध बहुत गड़बड़। वो पुस्तक पहले पुस्तक एक महीना ख़त्म हो गया, 3000 ख़त्म होने का कारण ये भी है, अस्तूपा बना रहा था। पहले जो अस्तूपा बनाने का टाइम में अस्तूपा बनाया गया तब आगामा पहुँचा उपाधि मिला, आगामा पहुँचा उपाधि मिला तो वो 9 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना गुफा में घुसा दिया। गुफा का मतलब 6 लाख आदमी बैठे थे, 6 लाख आदमी बैठे, बहुत बड़ा हाल। उस समय 25,000 आदमी ये सीढ़ी का मैं दीवार में बनते लोग नीचे में ग्रस्ती ऊपर उसमें घुसा, उसमें घुसने के बाद बैठिन हुआ, बैठ उपाधि दिया गया, उपाधि दिया गया तो हमारा नाम आया ठीक 12 बजे में। कुशीनगर बनते ज्ञानेश्वर जी, हमारा पहले 54 आदमी निकल चुका है, हम 55 निकाला, निकाला तो अंदर में ही जो हाल के अंदर में ही करीब 10 लाख रुपये मिला। उसके बाहर में मेरे को 13 महीना करते करते मेरे को 12 बजे निकला, 6 बजे पहुँचा अपने जगह में, 6 बजे पहुँचा तो पूरा ये हाल दो हाल बराबर है, ये हाल दो हाल बराबर पूरा सामान, खाने पीने का सामान, ये रूमाल है बहुत लंबा लंबा एकदम गड्ढा में भी, ये रूमाल ही करीब 54 रूमाल, चीवर चावल का जो बोरा छोटा छोटा बोरा 2 किलो 4 किलो वाला, उसके बाद और भी तमाम चीज़ें दवाई वगैरह सब हुई। पहले जो हम उसे मिला रुपया है बाद पे बोरा में कस कस के मिला, बोरा में कस कस के रखा रुपया को 12 आदमी 14 दिन गिना, 12 आदमी 14 दिन गिना, गिनने के बाद हाँ इतना रुपया है भगवान हुआ, उसे इस्टूपा बनाया गया था पहले पहले। फिर दूसरा उपाधि मिला में हम यहाँ नहीं लाए पैसा, वहीं का वाहन बना लिया, इधर एक मकान बनाया गया, चार गाड़ी माने जो छोटा गाड़ी अभी गाड़ी का माफी, 4 गाड़ी 2 एम्बुलेंस और 2 गाड़ी। उसके बाद एक सड़क बनाया गया, एक पुल बनाया गया, उसके बाद टैंकी ये जो मंदिरगढ़ में टैंकी है वो टैंकी बनाया गया, एक बिहार में एक लिफ्ट बनाया तो बहुत, उसके बाद रुपया दिया भी रुपया तो बहुत है। ये जो रोहिंजा वाला जब मारपीट हुआ तो औरत मर गया, पत्नी मर गया, बेटी बचा, वो बच्चे बहुत है, वो बच्चा लोग वो जो राष्ट्र संघ तरफ से देखभाल कर रहा संस्था, उसमें 40 लाख रुपये दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग यूनिवर्सिटी में दिया, एक यूनिवर्सिटी बहुत यूनिवर्सिटी, तीसरा साल हुआ तो ये कोरिया में एक स्टूबा बनाया, कोरिया में एक स्टूबा बनाया, उस भाई ये मकान 4 मंजिल वाला। उसके बाद ये दोनों होने के बाद चौथा उपाधि बना भी, चौथा उपाधि 7 लाख रुपये बर्बाद नहीं किया। अगर चौथा उपाधि सबसे बड़ा उपाधि है अभी जैसा अगर महाराज ठाकुर ये मिलेगा तो बन गया नहीं।